नमस्कार। प्रश्न चाहे चाइल्ड डेवलपमेंट के हो या पैडागॉजी के, बिना आयु जाने हुए, बिना स्तर जाने हुए आप उसका आंसर नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ही कुछ स्तर होते हैं टीचिंग के, क्योंकि बालक के स्तर के आधार पर ही शिक्षक को भी अपनी टीचिंग का लेवल डिसाइड करना पड़ेगा। ये टोटल स्तर होते हैं चार। इसमें जो सबसे पहला स्तर होता है उसे कहते हैं मेमोरी लेवल, यानी स्मृति स्तर, जिसका विचार हर्बर्ट ने दिया था। आप जो अपनी टीचिंग प्रैक्टिस से लेकर के और अन्य कार्यों तक जो लेसन प्लानिंग करते हैं वो बेसिक फॉर्मेट हर्बर्ट का बनाया हुआ फॉर्मेट है। दूसरा अंडरस्टैंडिंग लेवल, बोध या समझ का स्तर, ये विचार, ये स्तर मॉरिसन ने सजेस्ट किया था। तीसरा स्तर रिफ्लेक्शन का होता है, रिफ्लेक्शन लेवल, यानी विचारात्मक स्तर। ये विचार हंट ने दिया था और 1976 में ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल, यानी कि स्वायत्त विकास स्तर, ये विचार बिगी का है, मॉरिस एल बिगी। अब ये चार स्तर हैं, किस चीज पे आधारित हैं? समझने का बड़ा आसान तरीका है। अगर मैं कोई भी कुछ भी आपको पढ़ाने के लिए आया तो सबसे पहले मुझे उसका अर्थ बताना होगा आपको। इसका अर्थ होता है मेमोरी का लेवल। आपने थिंकिंग की आप वीडियो देखिएगा तो आपने थिंकिंग में परसेप्चुअल थिंकिंग पढ़ी है। वो बच्चे जिनकी परसेप्चुअल थिंकिंग अभी टॉप पे होती है, यानी कि जो प्रत्यक्ष से ही सीख पाते हैं, उनके लिए मेमोरी लेवल पढ़ाना होता है। तो जब आप क्लास में शुरुआत में गए तो पहले आपको मेमोरी लेवल करवाना है, और जैसे जैसे मेमोरी लेवल करवाया उसके बाद अंडरस्टैंडिंग आती है। अंडरस्टैंडिंग में क्या डिफरेंस होता है? तो जब आप एग्जाम्पल सेट करने लगते हैं, किसके साथ? मीनिंग के साथ। तो अगर मैं मीनिंग को एग्जाम्पल्स में जोड़ दूं तो वो बन जाती है समझ। तो जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल है उसे कहते हैं कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट यानी कि संप्रत्यय। तो जो संप्रत्यात्मक चिंतन है वो अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करता है। इसी के लिए दो विचार दिए गए हैं, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। इसी कॉन्सेप्ट का निर्माण होता है जिस स्तर पे। तो अगर हम इसकी तैयारी करें तो आप देखेंगे पहली कक्षा से लेकर के पांचवी कक्षा तक ज्यादातर क्वेश्चन मेमोरी लेवल के होते हैं, वो मेमोरी लेवल टीचिंग होती है। हाँ, जब ये पूछा जाने लगे कि इसके लिए एग्जाम्पल दीजिए, तो वो क्या हो गया, वो ऐसे ज्यादातर क्वेश्चन आपको 6 to 8 में मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हर क्लास में ये तीन स्तर होते हैं हर चीज को पढ़ाते हुए, लेकिन एक ओवरऑल अगर देखा जाए तो हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने पे इस लेवल पे आते हैं। क्यों? क्योंकि पियाजे ने कहा था कि 11 साल की उम्र के बाद में आपके अंदर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन आता है, और फिर रिफ्लेक्शन की स्टेज, यानी क्या आप इस बात से सहमत हैं, आपका अपना विचार क्या है, तो आप रिफ्लेक्ट कीजिए। जब रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, आपने थिंकिंग में मैंने तीन स्तर बताए थे, तीन तरीके की थिंकिंग बताई थी, उसमें जो तीसरा है वो है रिफ्लेक्टिव, यानी कि अगर आप इसे ब्लूम से कनेक्ट करें तो एप्लीकेशन की बात, जहां पे एप्लीकेशन ऑफ थॉट आएगा। एप्लीकेशन ऑफ थॉट इज रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन ऑफ थॉट इज रिफ्लेक्शन। तो जहां पे एप्लीकेशन ऑफ थॉट आएगा वो रिफ्लेक्शन, और अदरवाइज अगर कोई कॉन्स्ट्रक्ट है तो वो एप्लीकेशन का आएगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण है, ऑल इन ऑल इंपॉर्टेंट, ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल, इसके बाद
बहुत सारे थिंकर ने की है कि जब व्यक्ति जो भी कुछ उसने पढ़ा होता है वो उसका क्रिटिक करके और आगे बढ़ता है सेल्फ का अपना एक थॉट बनाने के लिए, सेल्फ का कॉन्सेप्ट बनाने के लिए, जिसे आइडेंटिटी डेवलपमेंट के रूप में एरिक्सन ने बात की है, या फिर बैंकिंग एजुकेशन को आलोचना करते हुए क्रिटिकल कॉन्शियसनेस के रूप में पॉलो फ्रेरे ने बात की है, वो डेवलप होता है। इस तरीके से कोई भी शिक्षा चार स्तरों पर होकर के गुजरनी चाहिए, हमें ये तीन क्लास में लागू करने चाहिए 12th स्टैंडर्ड तक, स्कूल एजुकेशन तक, और बालक को इस योग्य बनाना चाहिए ताकि वो इस चौथे को अपने आप से लागू कर सके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।